ये लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स में देखते हैं तो उसमें आपके पास आते हैं ट्यूबल ओपनिंग, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग आती है, ये ट्यूबल टॉन्सिल मतलब यहाँ पे होता है, और ट्यूबल एलिवेशन, और ये सेल्फ इंजोफेरिंजियल फोल्ड ये वाला, ठीक है। इसके पीछे आगे फेरिंजियल रीसेस, ठीक है। अब ये सारा हो गया है तकरीबन, ऊपर देखते हैं ये एट्रेनॉइड मसल्स आ रहे, इधर मसल्स ऑफ लैरिंग्स आई हैं, ट्रांसवर्स एट्रेनॉइड मसल ये, और यहाँ पे आपके पास ये इंफ्रारेड मसल नहीं है, और यहाँ पे ये सारी वैलम है, ये कॉर्पस कैलोसम हो गया, सेप्टम पेलुसिडम हो गया, ठीक है। और ये एंटीरियर कमिशर, लेमिना टर्मिनालिस, और यहाँ पे ये वो है ऑप्टिक क्यास्मा हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो कि इधर है आपके पास, हाइपोफिसिस सेरेब्री इसको कहते हैं ना, हाइपोफिजियल फोसा में होता है स्कल के, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्यूबर सिंड्रोम, और ये आपका मेमोरी बॉडी होगी, और ये मिड ब्रेन नहीं, हाँ मिड ब्रेन है तो उसका ये टेगमेंटम है और ये टेक्टम है, टेक्टम के ये सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकल आ गया, ठीक है। ये आपके पास है पोस्टीरियर कमिश्चर, पाइनल ग्लैंड, और इसके ऊपर हेबिनुलर कमिश्चर होता है, ठीक है। ये है स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाइन, ये है कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। ये है आपके पास फॉर्निक्स की बॉडी, पोस्टीरियरली कॉलम आ जाएगा और एंटीरियर भी कॉलम बता जाएगा। ये कॉर्पस कैलोसम की बॉडी, स्प्लीनियम, जीनू, और ये रोस्ट्रम आ गया, ठीक है। और ये ब्रेन के फिशर्स आ जाएंगे, कैलक्राइन फिशर और पैरेट हॉस्पिटल फिशर, ठीक है।